कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। कोरोना से टेंशन और डिप्रेशन दोनों बढ़ रहा है और लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। कोरोना सिर्फ शरीर और फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर लोगों के दिमाग पर भी हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक कोरोना संक्रमित लोगों में अवसाद और एंजाइटी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें से 34% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होने के बाद भी डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर सीकरी के मुताबिक डिप्रेशन, एंजाइटी, हाइपरटेंशन कोरोना के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस सिर्फ हमारे फेफड़ों पर ही हमला नहीं कर रहा, बल्कि इसके साइड इफेक्ट के रूप में लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गई है। कई बार ये लक्षण बीमारी ठीक होने के कुछ समय बाद भी नजर आ रहे हैं। अमेरिका में करीब 2,36,000 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पर बीमारी से रिकवरी के कुछ महीनों तक स्टडी की गई। इस स्टडी में इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग और अलग अलग मशीनों के जरिए उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ का डिटेल रिकॉर्ड लेने के बाद जांच में पाया गया कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों की मेंटल कंडीशन नॉर्मल से वीक थी, और इन मरीजों में टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और हाइपरटेंशन के साथ साथ वहम, असुरक्षा और डर भी ज्यादा बढ़ गया। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए लोगों को स्ट्रांग इम्यूनिटी के साथ साथ खुद को दिमागी तौर पर भी मजबूत होना होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।